सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नो गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले गरेना फ्री फायर से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आप लोगों की नेक्स्ट वेलेशन का यूएमपी की स्किन के बारे में, कि भाई आप लोग अपनी यूएमपी किस तरह की देखने को मिलने वाली, और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूंगा कि भाई आप लोग अपने गेम के अंदर पहले ईओ फेमस देखने को मिलेगी या फिर ईओ यूएमपी देखने को मिलेगी, यानी कि भाई ईओ एक्समेट के बाद आप लोगों की नेक्स्ट वेलेशन कौन सी होने वाली है। इसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे OB30 अपडेट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स और आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखना। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो भाई आप लोग बाद में आके देख सकते हो, लेकिन यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यार जो अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बताने वाला है। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्री फायर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी अपडेट्स की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और भाई अगर आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करते हो तो यार मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो यार ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की फ्री फायर मैक्स से रिलेटेड छोटी सी अपडेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया भाई, आप लोगों को हमारे इंडिया में फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पर 28 तारीख को देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई वर्ल्ड वाइज लॉन्च होने वाला है, यानी कि भाई पूरे के पूरे वर्ल्ड में 28 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन यार काफी सारे बंदों के मन में ये डाउट चल रहा है और मेरे से कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों को अपने फ्री फायर मैक्स के लिए अलग से आईडी बनानी पड़ेगी या फिर भाई आप लोगों को अलग से खेलना पड़ेगा। तो यार इसके लिए मैं आप सब लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को कोई भी नई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि भाई आप लोगों की फ्री फायर आईडी फ्री मैक्स में ओपन हो जाएगी। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई फ्री फायर वाले बंदे फ्री फायर मैक्स वाले बंदों के साथ नहीं खेल पाएंगे या फिर भाई फ्री फायर मैक्स वाले बंदे फ्री फायर वाले बंदों के साथ नहीं खेल पाएंगे। आप लोगों को काफी सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा भाई फ्री फायर मैक्स में तो अलग मैप है, यानी कि फैक्ट्री अलग देखने को मिल रही है, क्लॉक टावर अलग देखने को मिल रहा है, तो भाई हम फ्री फायर वाले बंदों के साथ कैसे खेलेंगे। तो यार वो फालतू के यूट्यूबर जिन्होंने आप लोगों को ऐसा बताया, लेकिन भाई आपके भाई ने पहले ही बता दिया कि भाई आप लोग अपने फ्री फायर मैक्स वाले बंदों के साथ भी खेल पाओगे और फ्री फायर वाले बंदों के साथ भी खेल पाओगे, यानी भाई फ्री फायर मैक्स में कुछ ज्यादा अलग नहीं होने वाला है, बस आप लोगों को साउंड क्वालिटी और ग्राफिक्स वगैरह अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो यार ये तो बात हो गई आप लोगों के फ्री फायर मैक्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे OB30 अपडेट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो OB30 अपडेट आने के बाद आप लोगों के मैक्सिम कैरेक्टर का लुक चेंज होने वाला है, यानी कि भाई आपको कैप देखने को मिलने वाली काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो भाई आप लोगों को इस तरह का लुक अपने मैक्सिम कैरेक्टर का देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के प्रोफाइल एनिमेशन के बारे में रहने वाली, यानी कि भाई अभी आप लोगों को कोबरा एनिमेशन भी देखने को मिलता है और आप लोगों का मैकलरिन एनिमेशन भी आ चुका है। तो यार जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो OB30 अपडेट आने के बाद आप लोगों को न्यू एनिमेशन देखने को मिलने वाला अपने प्रोफाइल के लिए, तो काफी ज्यादा बढ़िया है, यानी कि भाई ऐसा तो है नहीं हमेशा के लिए आप लोगों के प्रोफाइल एनिमेशन कोबरा और मैकलरिन वाला रखा जाएगा। तो भाई आप लोगों को नेक्स्ट प्रोफाइल एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई आप लोगों को OB30 अपडेट आने के बाद कोई इवेंट्स वगैरह में नजर आ सकता है। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के मिस्ट्री कैरेक्टर 1 के बारे में रहने वाली है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मिस्ट्री कैरेक्टर 1 का एबिलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं। तो भाई जैसे आप लोग अपने मिस्ट्री कैरेक्टर 1 का यूज करके किसी भी एनिमी को एलिमिनेट करते हो तो भाई आप लोगों को बाकी के बंदों को भी लोकेशन पता लग जाती है। तो भाई ये लोकेशन अपने टीममेट्स के साथ भी शेयर की जाती है, यानी कि भाई आप लोगों के टीममेट्स को भी ये लोकेशन दिखाई देने वाली है। तो यार काफी ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर होने वाला है, तो भाई ये वाला कैरेक्टर आप लोगों को OB30 अपडेट आने के बाद देखने को मिल जाएगा। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट, जो कि यार आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यार जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इमोट करते हुए मेडिकेट का यूज नहीं कर पाओगे, यानी कि भाई अभी आप लोग अपने एनिमी को नॉक करके इमोट के साथ मेडिकेट यूज कर सकते हो, लेकिन भाई शायद से आप लोगों को OB30 अपडेट आने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। यार इसके लिए मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन भाई आप लोगों को कुछ इस तरह का अपडेट नजर आ सकते हैं, जो कि यार मेरे को तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। आप लोगों को ये वाला अपडेट कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि भाई आप लोगों के आने वाली लोबीज के बारे में रहने वाली, यानी कि भाई आप लोगों को OB30 अपडेट आने के बाद कौन कौन सी नई लोबी देखने को मिलने वाली। लेकिन भाई उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों के फ्री फायर मैक्स की लोबी किस तरह की देखने को मिलने वाली। तो यार जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को फ्री फायर मैक्स में कुछ इस तरह की लोबी देखने को मिलने वाली, जो कि यार काफी ज्यादा बढ़िया दी गई है, मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। यार इस तरह की लोबी आप लोगों को अपने फ्री फायर मैक्स गेम में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस बात करें नेक्स्ट लोबी के बारे में, जैसे कि भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ OB30 अपडेट आने के बाद आप लोगों को बुया 2.0 देखने को मिलने वाला। तो यार जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को बुया 2.0 की लोबी कुछ इस तरह की होने वाली, तो यार काफी ज्यादा बढ़िया लोबी दी गई है। तो भाई जब भी आप लोगों का बुया 2.0 वाला इवेंट स्टार्ट होने जाएगा तो भाई आप लोगों को इस तरह की लोबी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह की एक और न्यू लोबी देखने को मिलने वाली, जो कि भाई आप लोगों को दिवाली इवेंट के टाइम नजर आ सकती है। लेकिन भाई इसके लिए कुछ इस तरह की लिक्स निकल कर आ रही है कि भाई आप लोगों को ये लोबी हैलोवीन इवेंट के टाइम भी नजर आ सकती है। और भाई मैं इसको दिवाली के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें राइट साइड आप लोगों को दिए से
नजर आ रहे होंगे, तो भाई ये दिवाली के इवेंट के टाइम में आप लोगों को लॉबी नजर आ सकती है। अगर इस वाली लॉबी के लिए मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ कि भाई आप लोगों को ये लॉबी कौन से वाले इवेंट के टाइम देखने को मिलती है। बाकी यार इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर से बता दूंगा। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को हेलोवीन इवेंट के टाइम कुछ इस तरह का एरोप्लेन की स्किन देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस आप लोगों को एक और चीज देखने को मिलने वाली, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, तो ये क्या चीज है मेरे को नहीं पता, आप लोगों को पता है तो मेरे को कमेंट में जरूर से बताना भाई ये निकल कर आई है आप लोगों के हेलोवीन इवेंट के लिए, तो भाई ये भी आप लोगों को हेलोवीन इवेंट के टाइम देखने को मिल जाएगी। सो गाइस अब हम लोग बात करेंगे आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो यार जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को 17 सितंबर को कुछ इस तरह का फेडरल नजर आ सकता है, जिसमें आज आप लोगों को एक बंडल देखने को मिल जाता है जो कि मेल का है, काफी ज्यादा बढ़िया बंडल। और भाई इसी के साथ वाला आप लोगों को फीमेल का बंडल बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और भाई इसी के साथ आप लोगों को फेडरल व्हील में एक और इमोट नजर आ सकता है जो कि कुछ इस तरह का होने वाला है। यार काफी ज्यादा बढ़िया इमोट दिया गया है, इसको यार हम लोग बुआ वाला इमोट भी बोल सकते हैं। तो भाई ये वाला इमोट आप लोगों को इस बंडल के साथ फेडरल व्हील इवेंट में नजर आ सकता है। लेकिन भाई इसके लिए मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई ये वाला फेडरल व्हील हमारे थाईलैंड सर्वर पर दिया गया है, लेकिन भाई हमारे इंडियन सर्वर पर आप लोगों को फेडरल व्हील में रिवार्ड्स वगैरह चेंज देखने को मिल सकते हैं। तो यार इस वाले इमोट के हमारे इंडियन सर्वर पर फेडरल व्हील इवेंट में आने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि भाई ये हमारा इंडियन सर्वर है। और भाई जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इंडियन सर्वर पर हमें बहुत ही कम चीजें दी जाती है, तो भाई ये वाला इवेंट आप लोगों को शायद से फेडरल व्हील इवेंट में नजर आ सकता है। तो भाई देखते हैं कि आप लोगों को ये वाला इमोट फेडरल व्हील इवेंट में देखने को मिलता है या नहीं मिलता। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट के बारे में रहने वाली है। तो यार जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट के भी पोस्टर निकल कर आ चुके हैं। तो भाई आप लोगों को ये दोनों बंडल हमारे नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट में देखने को मिल जाएंगे, जो कि भाई आप लोगों को 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज टोकन टावर इवेंट में देखने को मिलने वाली, जो कि भाई आप लोग देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह की लाइटिंग सी देखने को मिलने वाली है हमारे टोकन टावर इवेंट में। तो यार ये चीज टोकन टावर इवेंट के लिए नई निकल कर आई थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी यार बंडल्स तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सो गाइस ये सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एको सर्वर पर जर्सियां फिर से आ चुकी है, जिसमें आज आप लोगों को बलून जैसा इवेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि भाई आप लोगों को डायमंड्स लगा के बलून वाले टोकन इकट्ठे करने होंगे, जिनके बदले आज आप लोग जर्सियां एक्सचेंज कर सकते हैं। इस इवेंट में भी हमारी नई जर्सियां डाली गई है, तो भाई आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर पर जल्दी नई जर्सियां देखने को मिलने वाली है। वो कौन से इवेंट में दी जाएगी इसके लिए मैं आप लोगों को कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। एक के बाद एक सर्वर पर हमारी नई जर्सियां डाली जा रही है, तो यार शायद से आप लोगों को OB30 अपडेट आने से पहले हमारे इंडिया सर्वर पर भी नई जर्सियां देखने को मिल जाएगी। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एडवांस सर्वर में फिर से एक पिकअप ट्रक की स्किन ऐड की गई है। तो यार आप लोगों को हमारे OB30 अपडेट आने के बाद ये वाली पिकअप ट्रक की स्किन देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि शायद से आप लोगों को ये वाली स्किन हमारे कोई इलाइट पास के अंदर देखने को मिल जाए, या फिर भाई आप लोगों को कोई भी इवेंट में देखने को मिल सकती है। इसके बाद गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के मोको इवेंट से रिलेटेड आइटम्स के बारे में रहने वाली है। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी तक हमारे इंडियन सर्वर पर आप लोगों को ये दोनों चीजें देखने को नहीं मिली है, तो भाई इन दोनों चीजों के लिए आप लोगों को डायमंड खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसमें गाइस आप लोगों को एक ओपी सा इमोट देखने को मिल जाता है और एक आप लोगों को बाइक की स्किन देखने को मिल जाती है। तो यार काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें दी गई है, तो यार हो सकता है कि ये दोनों चीजें आप लोगों को कोई ना कोई वेब इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए, या फिर भाई कोई भी इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन भाई आप लोगों को इनके लिए डायमंड जरूर से खर्च करने पड़ने वाले। तो गाइस फाइनली हम लोग बात करेंगे आप लोगों की ईओ यूएमपी के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को ईओ यूएमपी कुछ इस तरह की देखने को मिलने वाली, जो कि यार काफी ज्यादा ओपी दी गई है, यानी भाई पक्षी जैसी लग रही है। यार अभी इसका लेवल 7 का लुक निकल कर आया, लेकिन भाई अभी ये पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुई है, यानी कि भाई अभी इसमें काफी सारे अपडेट्स करना बाकी है। जैसे कि भाई अभी इसका इमोट भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो भाई आप लोगों को इमोट भी OB30 अपडेट आने के बाद ही शायद से मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो भाई ये वाली यूएमपी की स्किन आप लोगों को बुआ 2.0 वाले इवेंट में देखने को मिलने वाली है। और गाइस इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हमारे एडवांस सर्वर में सिर्फ और सिर्फ ईओ यूएमपी डाली गई है, यानी कि भाई फेमस कहीं पे भी नहीं डाली गई है। इसीलिए हमारी नेक्स्ट इवोल्यूशन गन में आप लोगों को हमारी ईओ यूएमपी नजर आ सकती है, लेकिन भाई अगर किसी मिनी अपडेट में हमारी ईओ फेमस भी एडवांस सर्वर के अंदर ऐड कर दी गई, तो भाई आप लोगों को शायद से ईओ फेमस भी देखने को मिल सकती है, लेकिन भाई काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है कि सबसे पहले आप लोगों को ईओ यूएमपी देखने को मिलेगी। सो गाइस ये सारी अपडेट निकल कर आ रही थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई, लाइक करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए फ्री फायर से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट की वीडियो लेकर आऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी और आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।